श्री मोची जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र गंगवार जी, श्री संजय सिंह जी, श्री कुमार रवि जी, प्रखंड प्रमुख श्री मनिंद्र कुमार जी, स्थानीय मुखिया श्रीमती रेणु कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार जी, मंच पर बैठे अन्य नेतागण और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, अब से कुछ देर पूर्व श्री झपसी मोची जी ने यहाँ झंडोत्तोलन करने का काम किया है और आप सबों को मालूम है कि आज ये 71वां गणतंत्र दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान की आवश्यकता थी कि देश किस नियम कानून से चलेगा, और हमें गर्व इस बात का कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के ही थे, और उसके बाद संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वो भी बिहार के ही थे। और आपने देखा कि संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये दिखलाता है कि अगर हम चाहें तो महादलित समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति भी बाबा साहब अम्बेडकर जितना ऊंचा और जितना बड़ा आदमी बन सकता है। और इसलिए मित्रों, आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपसे दो चार बातें केवल कहना चाहूँगा। अभी डीएम साहब ने आपको बताया कि इस गांव के हर एक घर में शौचालय बन गया है। मैं सभी गांव के लोगों से अपील करूंगा कि आपके घर में, गांव घर में जब शौचालय बना है तो कोई आदमी बाहर शौच के लिए नहीं जाए। आप इस बात को देखें, शौचालय में ही लोग शौच के लिए जाएं। दूसरा कि अपने गांव को साफ सुथरा रखें, कहीं भी कोई कूड़ा करकट जमीन पर न फेंके, सड़क पर न फेंके। जो आपको एक बक्सा दिया गया है कचरा फेंकने के लिए, उसी में फेंकने का काम करें। अभी मुखिया जी बता रहे थे कि इस गांव के हर एक घर में बिजली पहुंच गई है, तो अगर बिजली पहुंच गई है तो बिजली को बचाने का भी काम करना है। ऐसा नहीं कि मनमाना बिजली खर्च करें, बिजली खर्च करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। इसलिए बिजली की बचत करें, कम से कम बिजली जो है और बचाने, कम से कम बिजली जलाने का काम करें। चौथी बात कि हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का काम चालू हो गया है, तो जिन घरों में पाइप से नल पानी पहुंचाने का काम चालू हो गया, उनसे अपील है कि नल को बंद करके रखें, दिन भर उसको खुला नहीं छोड़ें, पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। पांचवी बात, यहाँ पर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, मैं सभी माताओं बहनों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजिए। सरकार मुफ्त में भोजन का इंतजाम कर रही है, मुफ्त में किताब दे रही है, लड़कियों को पहनने के लिए कपड़ा के लिए पैसा दे रही है, छात्रवृत्ति दे रही है। तो जब इतना इंतजाम सरकार कर रही है तो सभी माता बहनों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को आप जरूर स्कूल भेजिए और कम से कम उनको इंटर कम से कम और जरूर करवाइए। और अंतिम बात कि माता बहनें जो बैठी हैं, अपनी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। और इसे गांव देहात में यह दिखाई पड़ता कई बार कि लोग कम उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने गांव में कोई भी शादी 18 साल से कम उम्र की लड़की के लिए होनी चाहिए। और जैसा भी लल्लू मुखिया जी ने कहा, मैं उस औरत को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने टेलीफोन करके अपने मर्द को पकड़वाने का काम किया, क्योंकि वो शराब पीने का काम करता था। तो अपने गांव के अंदर कोई शराब की भट्टी ना चले, कोई शराब ना पिए, ये देखने का काम भी आपको करना है। इसलिए मित्रों, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हुआ
अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।